मैं इस समय नेटेरी के बरारी में हूं और आज हम बात करेंगे यूक्रेन से टेरी पहुंची आदिति से, और आदिति से यूक्रेन के बारे में जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है उस बारे में हम पूछेंगे कि किस तरह से यहाँ पर पहुंची है। आदिति, किस तरह से आप वहाँ पे टेंशन में थे, क्या किस तरह का वहाँ पे माहौल बना हुआ था? तो जब ये 24 को अटैक हुआ था तो हम सब सुबह के टाइम हुआ था तो हम सब सो ही रखे थे। फिर हमें घर से कॉल आया, हमें पता चला कि यहाँ अटैक हो गया है। तो फिर हम जो घर वालों ने बोला, जितना भी तुम सामान ले सकते हो अपने लिए खाने पीने का, वो सब खाने पीने का सामान ले लीजिए। तो हम जैसे ही हम उठे, हम ATMs गए तो ATM में बहुत लंबी लंबी लाइन थी, कहीं कैश नहीं था। हमने जैसे तैसे करके कैश निकाल के जो भी वहाँ पे पास में शॉप्स थी वहाँ से सामान लेके सब स्टोर कर दिया था। बट शाम तक हमें हमारे MD हाउस से मैसेज आ गया था कि अपना बैग पैक कर लीजिए बिकॉज कभी भी तुम्हारा एवैक्यूएशन स्टार्ट हो सकता है। और वो हमें लगातार मैसेज कर रहे थे कि इतने बजे, कल इतने बजे से तुम्हारा एवैक्यूएशन स्टार्ट हो सकता है। तो 25th की मॉर्निंग से ही हमें पता चल गया था कि हमारा एवैक्यूएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उन्होंने पहली लिस्ट भेजी थी अराउंड 10 बजे। तो उन्होंने बोल दिया था कि 45 मिनट्स के अंदर ये बच्चे सब अपना बैग, जो भी तुम्हारा सामान है वो लेके नीचे आ जाइए। जो मेरा था, मेरा सेकंड बैच में था, तो वो लिस्ट भी बहुत जल्दी आ गई थी, 1 घंटे के अंदर आ गई थी। तो फिर वहाँ से हम निकले अराउंड 4:30 बजे। तो जहाँ मैं रहती हूँ चर्नीवेट्सी, वहाँ से हमारी यूनिवर्सिटी ने बसेस कराई थी और वहाँ से हमें रोमानिया बॉर्डर लेके गए थे। अच्छा, बीच में ये बात भी सामने आ गई थी कि जो वहाँ पर जो बसें हैं जिनमें बच्चों को लाया लाया गया, उसमें एक भारत का फ्लैग लगा हुआ था। क्या उन बसों को लेकर क्या मैसेज रूसी सैनिकों द्वारा, क्या मैसेज? ये सच बात है क्योंकि जैसे हम बस में बैठे थे सबसे पहले उन्होंने इंडियन फ्लैग ही लगाया है। सारे बसेस में सबसे आगे इंडियन फ्लैग लगा था और उन्होंने लिखा हुआ था इंडियन ऑन बोर्ड। तो फिर हम जब वहाँ से आए तो हमें ना किसी ने कुछ पूछा, हम सीधा पहुँचे बॉर्डर पे, हमें किसी ने ना रोका ना किसी ने कुछ पूछा। क्या लगता है आपको कि भारत सरकार के दूतावास द्वारा जो तत्काल कार्रवाई की गई, जो जैसे अब आप सकुशल घर पहुंच गए हैं, इसको लेके क्या कहना है आपका कि किस तरह से भारत सरकार की कार्रवाई हुई? जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बिकॉज उनके वजह से हम यहाँ पहुँचे हैं। उन्होंने मतलब बहुत अच्छे ढंग से अरेंजमेंट करा रखा था कि हाँ बच्चे निकल रहे थे वहाँ से, जितने इवन इंडियन एम्बेसी भी वहाँ पे खड़ी थी हमारे लिए हेल्प करने के लिए। तो फिर जब हम यहाँ दिल्ली पहुँच गए, हमारा भी बहुत अच्छे से वेलकम किया गया कि हाँ पहुँच गए। तो आई एम सो थैंकफुल फॉर देम और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे कि हम तो यहाँ पहुँच गए बट जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं उनको भी जल्दी से जल्दी निकाला जाए। अच्छा, कितने बच्चे अभी लगभग होंगे, भारत भारतीय बच्चे जो यूक्रेन में या आसपास में, कितने लगभग? अभी तो जो हमें पता चला है, जो अभी रोमानिया बॉर्डर में ही है, वो बच्चे अराउंड 2000 बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं। बट उनको भी अभी हल्के हल्के लेके आए हैं। बाकी बच्चे तो काफ़ी फंसे हैं कीव में, खारकीव में, ओडेसा में, जहाँ की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब है। किस तरह का वहां पर माहौल बना हुआ है, आजकल जो समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया, टीवी के माध्यम से जो खबरें दिखाई जा रही है, किस तरह का वहां पर माहौल है वहां पर? जो हम थे, हम तो सेफ साइड है तो हमारे इधर इतना कुछ था नहीं। बाकी जो मतलब पता चल रहा है हमें हमारे फ्रेंड के थ्रू, तो वो कह रहे हैं कि वो अभी भी शेल्टर में ही है, वहाँ बंकर में ही है जहाँ। और उनको मतलब जब ऐसे ये अटैक हुआ था उनको ये बोल दिया गया था कि तुम अपना बैग पैक करो, जैसे ही सायरन बजेगा तुम्हें सीधा शेल्टर में निकलना है। तो बच्चे अभी भी वहीं हैं। साथ ही आदिति की माँ हैं जिन उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से वो यहाँ पर अब खुश हैं, कि पहले चिंता थी कि कब बेटी घर पहुँचेगी, उन्हीं से हम बात करेंगे। जी, अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप, जैसी चिंता थी कि बेटी कैसे होगी, किस हालात में होगी, अब कैसे महसूस कर रहे हैं आप? अब हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारी बेटी अपने घर पहुंच गई, सकुशल अपने घर पहुंच गई, और हमें बहुत खुशी हो रही। और अब हम आगे भारत सरकार से ये प्रार्थना करते हैं कि जो बच्चे वहां पहुंचे हैं वो भी सकुशल अपने वतन लौट जाएं। आदिति की माँ का कहना है कि जिस तरह से मेरी बेटी सकुशल घर पहुंची है, भारत सरकार का धन्यवाद करती हूँ, और साथ ही जो और बच्चे वहां फंसे हुए हैं उनको भी लाया जाए ताकि उनके परिजन परेशान न हों। अरविंद नौटियाल, ETV भारत, टेकी गढ़वाल।